एवरीवन, आराध्या शर्मा बहुत गंदी हो गई हैं। उनको ना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं थोड़े देर के लिए किचन में ही आ गई इसके लिए पानी लेने, और मैंने क्या किया, मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने बॉटल को ओपन करके ले गई, कैप यहाँ पे छोड़ गई। वो जो थम्सअप वाला होता ना, तो बच्चे कुछ ज़्यादा उसी में पानी पीना पसंद करते। उसके पास ऑलरेडी एक बॉटल है, वाटर बॉटल, लेकिन उसमें नहीं पीती। और ये ना क्या की है, कैप को माउथ में डाल दी। तुरंत मैं आई, मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि हो सकता है ये माउथ में डाल दे, तो ये वही काम कर ली। ना ध्यान दो तो बच्चे पता नहीं क्या क्या कर लें। आज तो मेरे लिए बहुत बुरा होने वाला था, बट बच गई मैं। हे एवरीवन, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज मंगा लीजिएगा। और मैंने बनवाया है अपने फेसबुक पे एक पेज, और इस पेज पे आप लोग जाइए, फेसबुक पेज पे यही आईडी है मेरी जो कि यूट्यूब की आईडी है, वहाँ पे आप जाइए, सर्च करिए और हमारे पेज को फॉलो करिए। और मेरे कम बहुत कम समय, मेरी नज़र न लगे बट बहुत कम समय में मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स मिले, लेकिन लाइक उस पर भी कम ही आ रहा है। लेकिन यूट्यूब पे ना मैं जितने टाइम दे रखी हूँ 2 साल से, उस हिसाब से मुझे लग रहा है। मैं पिछले मतलब लास्ट वीडियो में जो मैंने अभी वीडियो डाला है, तो उसमें भी मैंने ये बोला है कि जितना मैं मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे, उस हिसाब से मुझे बिल्कुल भी उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं। मतलब 2-4 सब्सक्राइबर रोज मिल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग मतलब खास नहीं, व्यूज तो कुछ भी नहीं आ रहे हैं। तो लेकिन मैंने यूट्यूब पे उस पर सॉरी मैंने फेसबुक पेज पे करेक्ट मैंने 1 हफ्ते हो गए बनाए, और मेरे वहाँ पे 9,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं। मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार, मतलब मैं कोई पेज बनाऊंगी और उस पे 1 हफ्ते में मुझे 9,000 फॉलोअर्स मिल जाएंगे। अंदर से खुशी आ रही है, लेकिन हाँ लाइक उस पर भी बहुत कम आ रहे हैं, तो इसीलिए प्लीज हाई रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज एक लाइक कर दो ना। लाइक से ये होता है ना कि मतलब हाँ मेरे वीडियो में मतलब कुछ तो है कि लोग पसंद कर रहे हैं। बट ये भी नहीं है, मैं निराश भी नहीं हो रही हूँ, क्योंकि हार के आगे जीत है। यार गाइस, इतनी गर्मी में मैं वीडियो शूट करती हूँ और आप लोग देखते हो और एक लाइक भी नहीं करते हो। लाल अभी मैं ना फैन के नीचे अपने रूम में बैठी हूँ, और आप बताइएगा वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी। और आप लोगों के लिए अगेन एक सरप्राइज और है मेरे लिए हो चुका है, और आप लोगों गाइस गर्मी बहुत पड़ रही है तो पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, और आप कॉटन फैब्रिक कपड़े ढीले ढीले पहनिए, लूज एकदम लूज, ताकि आपको मतलब ज्यादा गर्मी ना फील हो। और आप दही छाछ और लस्सी आप और नींबू पानी गन्ने का जूस, मतलब आप जितना से हो सके लिक्विड चीजें ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो, क्योंकि गर्मी इस लेवल की हो रही है ना कि हम बहुत जल्दी बीमार हो सकते हैं अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही की है। तो गाइज अपने फैमिली वालों का भी ध्यान रखें और अपना भी खुद ध्यान रखें। लेकिन मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि गर्मी इस टाइम ना बहुत पड़ रही है, मैं खुद झेल रही हूँ और भी लोग झेल रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ ना, मैं अगर मैं जो वीडियो बना रही हूँ तो उसमें कुछ मैसेज जाए लोगों तक जो हेल्पफुल हो जाए। तो अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जाइए फटाफट अपने किचन से या फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी पी लीजिए, ताकि आपको ठंडा मतलब गर्मी बिल्कुल ना लगे। मैंने ठंडक बोल दिया गाइस, क्योंकि मुझे ना मन कर रहा है, कितना अच्छा होता ना ठंडक, तो काश ठंडक फिर से आ जाए, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं आएगी क्योंकि ठंडक जा चुकी है। तो बारिश ही आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और मैं इस बार ना बारिश में जरूर से जरूर वीडियो शूट करूंगी, और वीडियो में मतलब बारिश में मैं मतलब 1-2 रील्स जरूर बनाऊंगी। मैं ना मैं छोटी सी थी, मैं पापा के घर रहती थी, मतलब मेरी शादी से पहले की बात मैं बता रही हूँ, तब जो भी बारिश होती थी बोलते थे ना पहले बारिश ना आया नहीं जाता, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है या ऐसा कुछ दाने वाने हो जाते, बट मैं मानती नहीं थी। रात में अगर बारिश आ जाती थी तो मैं रात में भी भीग लेती थी, और हमारे घर वाले भी बहुत मतलब इंजॉय करते हैं, मेरी बड़ी मम्मी भाभी लोग सब लोग इंजॉय करते थे बारिश। हम लोग उस बारिश का नाम सुनते थे, छत पे पहुंच जाते थे और भीगते थे। कौन कौन है जो गांव में ऐसे करता था कि बारिश का नाम सुनते ही वो छत पे अपने पहुंच जाता था। और हाँ, हम लोग नहाते टाइम अपना छत वत भी बहुत अच्छे से साफ करते थे गाइस, वो दिन याद आते हैं, बहुत अच्छा था वो टाइम यार।
बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में बस यही था कि मैंने अपने वाइफ को बताया, और आपको यूजफुल लगे तो आप लोग भी मंगा सकते हो। और मैंने ये भी बोला कि आप गर्मियों से बच के रहिए, बाहर कम से कम निकलिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप आ जाइए, वरना अपने घर में सेफ रहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है गाइस। बाय, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे, पानी पीते रहिए।